हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपके बार मेरे चैनल की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस यार, आज की वाली वीडियो ना बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मतलब कि अपने टेक्स्ट ए को किस तरह से लिख सकते हो। भाई अल्फाबेट का कोई भी आप टेक्स्ट कुछ इस टाइप से किस तरह से टाइप कर सकते हो। तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। जल्दी से अगर वीडियो को जो नीचे लाइक का बटन आपको नजर आ रहा है ना भाई, उसको जल्दी से अगर दबा दो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आपको सिखा देंगे कि इस तरह की टेक्स्ट आप किस तरह से कर सकते हो बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको पिक्सेल लैब ऐप आता है प्ले स्टोर पर, वो आपको यहाँ पर ओपन कर देना होगा। अब भाई कि जिन लोगों को पता नहीं होगा कि भाई पिक्सेल लैब ऐप कौन सा है, तो या कॉर्नर पर आप लोगों देख सकते हो, ये है हमारा पिक्सेल लैब ऐप। तो आपको करना क्या होगा कि इसको आपको ओपन कर देना होगा। देन गाइस आपको करना क्या होगा कि यहाँ से आपको जो ये वाला ऑप्शन देखना है ना बीच वाला, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ये वाला जो मैंने अभी फिलहाल कर लिया हूँ, तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। देन गए जहाँ से आपको करना क्या है कि इमेज साइज जो है इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन गए जहाँ से आपको ऊपर एक कस्ट्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। देन गए जहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। देन गए जहाँ से आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर यहाँ से हमारा सेट कर देना है यूट्यूब थंबनेल वाला। तो आपको अब करने के वाले कि इस पर एक टेक्स्ट डालने वाले, उसको डालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला जो है ना ये आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस सबसे पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है वो सेट करने वाले। चाहे तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं, बट गाइस हम अभी कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको यहाँ से फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर देना है। देन गाइस जहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड चाहो इस फोटो पर लगाना चाहो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने ये वाला बैकग्राउंड अपने फोटो को सेट कर टेक्स्ट को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो यहाँ से आपको नीचे राइट का ऑप्शन दिख रहेगा, उसमें आपको क्लिक कर यहाँ से बैकग्राउंड हमारा जो देख सकते हो हमारा चेंज हो चुका है फुल बैकग्राउंड। तो अभी हम इस पर टेक्स्ट डालने वाले हैं, उसको डालने के लिए यहाँ से आपको ए का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। देन कहीं यहाँ से आपको ऊपर टेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना है बिना दिक्कत के। तो आपको यहाँ से कॉर्नर पे से इस तरह से मतलब कि आपको टेक्स्ट को कुछ इस तरह से नीचे कर देना है, इसकी आपको साइज मतलब कि इस तरह से आपको कर यहाँ से इसकी जो मतलब कि सीधा कर देना है। फिर आपको करना क्या होगा कि इसमें आपको जो टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट है उसको आपको डबल एक्सप्लोर मतलब कि डबल क्लिक करना है कुछ इस टाइप से, फिर यहाँ से आपकी टेक्स्ट शुरू हो जाएगी। फिर आपको ऊपर डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर यहाँ से ये न्यू जो टेक्स्ट टाइप हुआ था वो आपको यहाँ से कट कर देना है। फिर आपको करना क्या है कि इसके आपको साइज बढ़ाकर यहाँ से आपको अल्फाबेट का कोई भी यहाँ पर आप मतलब कि जो लेटर है वो टाइप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर ए टाइप करने वाला हूँ। तो उसको करने के लिए मेरा मतलब कि मैंने कर लिया हूँ। तो आपको करने क्या होगा कि इस ए को आपको अभी फिलहाल करना क्या होगा कि इस तरह से सेट कर यहाँ पर आप कहीं पर भी जाओ तो आप रख सकते हो। फिर आपको करना क्या होगा कि इसमें आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर यहाँ से आपको शेप्स का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना होगा। देन गाइस जिसमें इसके जो शेप्स आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है इसमें क्लिक कर यहाँ से आपको सर्कल वाला जो है उसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको अभी फिलहाल क्या कर रहा होगा कि इसकी आप ओपेसिटी जो है मतलब कि पहले वाले की ओपेसिटी कम कर देनी है। जी अगर जे आप देखना, फिर स्ट्रोक वाइड आपको इस तरह से बढ़ा देनी है, जैसे कि फिलहाल अभी मैंने बढ़ा दिया हूँ। तो इस तरह से आप स्ट्रोक वाइड जितनी भी चाहो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ताकि हमारी लाइन जो है मतलब बीच में से सर्कल को जिस टाइप से हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, इतना आपको सेट करने के बाद ऊपर आपको राइट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें क्लिक कर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। अभी आप इसके जो मतलब कि ये जो सर्कल बीच में से हम ब्लैक कलर का लगाए हैं उसको हम गोल्डन कलर का करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको इसका इस तरह से नीचे आ जाना होगा, जहाँ से आपको एक टेक्सचर का और ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना होगा। देन गए जहाँ से आपको गैलरी में, गैलरी के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, फिर यहाँ से आपको वो गोल्डन वाला मतलब कि बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो। तो वो वाला मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ अभी, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। देन गाइस जब आप देख सकते हो कि हमारा जो सर्कल का मतलब कि वाइट है उसका कलर जो है गोल्डन हो चुका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ से आपको यहाँ कहीं भी स्क्रीन पर क्लिक कर यहाँ से आपको इसको मतलब कि सेव कर देना होगा। फिर हमारे टेक्स्ट पर आते हैं, तो इसको ए वाली टेक्स्ट को क्लिक कर आपको इस तरह से बीच सर्कल में से आपको इस तरह से मतलब के रख देना होगा। पहले आपको क्या करना होगा कि इसके हिले ना, उसके लिए आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। देन गाइस यहाँ से आपको लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सर्कल पर आपको लॉक कर लगाकर फिर इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। देन गाइस यहाँ से आपको कहीं पर भी अपनी स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हो। फिर अभी आप देख सकते हो हमारा सर्कल कहीं भी नहीं मिल रहा, क्योंकि उस पर लॉक लगा दिया हमने। फिर इसकी मतलब एक ही साइज आपको कुछ इस टाइप से टाइप कर देनी है। फिर आपको इस तरह से फुली मतलब के
इस तरह से आपको आ जाना है। फिर यहाँ से आपकी टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, सॉरी फॉन्ट का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर इसकी जो भी आप मतलब कि फॉन्ट चाहो, स्टाइल चाहो, वो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब कि ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करना है, थर्ड वाला, फिर यहाँ से ओके में क्लिक कर देना है। देन के जब भी फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारा ए जो यहाँ सेंटर पर क्या ही तगड़ी लुक दे रहा है भाई साहब एकदम से। तो हमें इस पर मतलब इसका कलर जो है वो हम स्टील का कलर देने वाले हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ से आपको इस तरह से फिर नीचे आ जाना है, सॉरी गाइस, इस तरह से आपको इस तरह ऊपर कर देना है। देन गाइस सेम टू सेम टेक्सचर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। देन गाइस गैलरी, गैलरी के बाद यहाँ से गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको स्टील का एक मतलब कोई भी आपके पास बैकग्राउंड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। देन गाइस यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। अभी फिलहाल आप देख सकते हो हमारा एज जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्या तो हम इस पर थोड़ी बहुत 3D लुक डालने वाले हैं। तो उसको डालने के लिए सबसे आपको लास्ट में आ जाना होगा, यहाँ से 3D शेडोज आपको इसमें क्लिक कर यहाँ से ऑन कर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे फोटो की क्या ही लुक आ रही। तो अगले स्टेप हम करने के वाले हैं कि इसके थोड़े बहुत हम PNG एड करने वाले हैं, ताकि हमारे फोटो की लुक और भी ज़्यादा तगड़ी हो जाए। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको बीच वाले सर्कल वाला ऑप्शन, फिर यहाँ से इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद यहाँ से आपको जो भी यहाँ पर आप मतलब कि टैटू चाहो या कोई भी यहाँ पर आप चाहो तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ से ये सुपर सेल वाला मतलब कि सिलेक्ट कर लिया हूँ। ये टेक्स्ट है कि मैं मतलब कैसे एक तगड़ी लुक देने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप नहीं भी कर सकते, बट कई जहाँ पर अगर आप एक अलग ही लुक अपने फोटो में चाहते हो तो वो आपको इस तरह से मतलब कि कुछ कर देना होगा। तो मैं सिलेक्ट करके लगा लेता हूँ, लगा कर आपको दिखा लेता हूँ कि आप किस तरह से अपना मतलब के कर सकते हो। भाई भाई क्या लुक आएगी भाई। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है ना आपको, उसको आपको क्लिक कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। उसको आपको जल्दी से जाकर प्रेस कर दो भाई, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल भी फ्री है, आपका कुछ भी खर्च नहीं हुआ। तो इस तरह से लगा कर यहाँ से आपको कहीं पर भी स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। देन गाइस अभी आप देख सकते हो कि हमारे टेक्स्ट एक अलग हो जाए वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर देना, और मतलब कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।